नॉट टू बी प्रिसाइज, मफहूम है सिर्फ उस बात का। अशफाक अहमद साहब को उनके बाबा जी कहा करते थे कि जिसको अल्लाह ताला चुन ले उस पर सवाल नहीं किया करते, बस दिल से मान लेते हैं। बहुत टाइम पहले एक ट्रेंड तो आपको याद होगा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई, बहुत लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए, कुछ लोगों ने अच्छी बनाई, कुछ लोगों ने बुरी बनाई, कुछ लोग साथ थे टिकटॉक के, कुछ लोग खिलाफ थे। मैं उस वक्त वीडियो बनाना चाह रहा था, बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि शायद मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे थे। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में आए, एक रीसेंट जो टिकटॉक वाली चली कि वो टिकटॉक स्टार एक म्यूज़िक वीडियो में आई, तो मेरे माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने वो साथ साथ लिख लिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ। शुरू करते हैं। देखें, अच्छा बुरा कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे होता है, भले वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, टिंडर हो, जो मर्जी प्लेटफॉर्म हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस कंटेंट को किस तरह से कंज्यूम करते हो। यूट्यूब भरा पड़ा है क्रिंज कंटेंट से, टिकटॉक भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, हर किस्म का कंटेंट मौजूद है, लेकिन टिकटॉक ही क्यों बीच में आ रहा है? टिकटॉक से पहले भी इतनी ऐप्स थी, लाइक टिकटॉक तो मुझे लगता है असल में ना बड़ी नॉन सीरियस चीज़ लगती है। आप रैंडम किसी को जा रहे हो ना, मैं अक्सर व्लॉगिंग करते हुए, अगर लोग व्लॉगिंग करते भी हैं उनको भी शायद कभी ये फेस करना पड़ा हो, आप व्लॉगिंग पब्लिक में कर रहे होंगे, टिकटॉक ना आ रहे हैं टिकटॉक, अब भाई अगर हाँ कह दिया तो हंस पड़े हैं टिकटॉक। उनके माइंड में वही टिकटॉक का इमेज बना हुआ है कि वो क्या था जो वायरल हुआ था, मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। खैर, बहुत वायरल हुआ था वो, लेकिन सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, टिकटॉक से पहले डब्स मैच था, म्यूजिकली था, लाइकी था, ये सब भी तो थे, तब क्यों नहीं बोला, वहां पे भी क्रिंज कॉन्टेंट आता था। लेकिन हमारी इतनी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, जो कि डब्स मैच पे अपना कंटेंट बना के, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी एक्टिंग अच्छी दिखा के वो फिल्म्स कर रहे हैं, ड्रामास कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी चीज़ है। हमारी आवाम की बस एक गंदी आदत है कि बस जो भी अपना जो दिमागी फ्रस्ट्रेशन, जो भी घर की कोई बात हो रही है गुस्से की, या कोई भी उनके पास गुस्सा है ना, उन्हें इंटरनेट पर आके हेट लिख देना है। कोई भी आप देखे कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, पता ही नहीं किसी बात का कि क्या बैकग्राउंड है, क्या टॉपिक, बस हेट लिख दिया, हेट कमेंट कर दिया, आपको पता ही लगना उस बंदे ने किस तरीके से अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाना, आपको तो मतलब आपके कमेंट को कितना सीरियस ले ले और किस हद तक वो बात पहुंच जाए। ये तो चलो एक टिकटॉक की बात हो गई ना, मैं बताता हूँ। हसन अली हमारे क्रिकेटर हैं, उनकी शादी हुई थी थोड़े से पहले, दुबई में उनका शूट हुआ था, द आर्टिस्ट फोटोग्राफर ने शूट किया था। आप यकीन करें, कभी टाइम निकाल के उनके पेज पर जाइएगा और हसन अली की जो फोटोज हैं शूट की, आप कमेंट्स पढ़ लें, आपको नफरत हो जाएगी हमारी इमाम से, हमारी इमाम की सोच किस तरह है, किस तरह वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। हसन अली ने भले पढ़े भी ना, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ना, लेकिन कितनी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, आप लोगों ने इस बात का कभी अंदाज़ा लगाया है? पिछली वीडियो में बात की थी कि जिस चीज़ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो चीज़ आपको पे बैक करती है, भले वो जिम हो, भले वो कोई प्लेटफॉर्म हो, भले वो कोई, आप किसी भी चीज़ में आप अपना टाइम दे रहे हो। अब कितने टिकटॉकर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में टिकटॉक भरा पड़ा है, इंडिया में तो खैर अब बैन हो गया, पाकिस्तान की बात करते हैं, कितने टिकटॉकर्स हैं? अब उसमें उस प्लेटफॉर्म पे उस बंदी ने कितनी मेहनत की, 2-3 साल लगाए, अपने एक्सप्रेशन ऊपर किए, अच्छे किए, अपने फॉलोअर्स ऊपर लाई, कि उसको एक अगर प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप कौन होते हैं जज करने वाले? अल्लाह ताला ने उसका मुकद्दर जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे उसकी तकदीर लिखी हुई है, उसने वहीं जाना है। आप घर में दूसरे पर कोई साला नहीं देता, आप नेगेटिव कमेंट्स करने आए थे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, यार के ये डिजर्व नहीं करती, मुंह देखो जैसे छिपकली की आंटी होती है, पता नहीं क्या, क्यों भाई, वजह बताया मुझे, आपके कमेंट को किसी ने इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं। बात खैर टिकटॉक की हो रही है, और उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर अपनी मेहनत करके, अपने बिल बोते अपनी मेहनत करके वो ऊपर आए, उन सबका मुबारकबाद देता हूँ। और ये सब उन लोगों के लिए सजेशन है कि अगर आप में से कभी कोई मशहूर हो जाता है या मशहूर है, तो विनर वही है जिसके अंदर फेम के साथ साथ नेगेटिव और हेट कमेंट्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। आप उन हेट कमेंट्स को अपनी पॉजिटिविटी के तौर पर लें। एक आखिरी बात तो मैं एंड करूँगा, अशफाक अहमद साहब का ये, हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज। ऐनक फाड़ो, मेरी अखां दर्द शुरू हो गई हैं। तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें, वीडियो ज्यादा देखने हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। बाजार से सीधे हुकूमत आर्ट बाय वासिफ।